आपके स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए आयुर्वेद केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे इम्यूनिटी का सक्षम होना कितना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो इम्यूनो बूस्टर काढ़ा सेवन करने का सुझाव दिया है वो किस प्रकार से है। इस काढ़े को बनाने के लिए 3 से 4 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच सौंठ और थोड़ी सी काली मिर्च को 1 चम्मच काले मनुके के साथ पानी में डालकर यहाँ तक उबाले कि वो आधा बच जाए। फिर बचे हुए काढ़े को छानकर उसमें शक्कर, गुड़ या नींबू का रस मिलाकर सुबह और शाम पिए। इसकी मात्रा है 1 से 2 साल के बच्चे को 2 चम्मच, 5 से 10 साल तक आधा कप और 10 साल के ऊपर 1 कप तक काढ़े का सेवन करें। ध्यान रखिए, अधिक मात्रा में काढ़ा पीने से शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ के बवासीर जैसी या रक्तस्राव जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए आप अपने आयुर्वेदीय चिकित्सक से सलाह लेना न भूलें। इसी के साथ हर सुबह एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 10 ग्राम और बच्चों को 5 ग्राम च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आपको मधुमेह या डायबिटीज है तो आजकल बाजार में शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मिलता है, कृपया आप उसका सेवन करें। गोल्डन मिल्क, लगभग 150 ml गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर दिन में 1 या 2 बार सेवन करें। आप आपके आहार में हल्दी, जीरा, अदरक, लहसुन जैसी चीजों का इस्तेमाल अवश्य करें। ध्यान रखिए, आपका खाना हमेशा ताजा, प्रोटीन युक्त और पोषक गुणों से युक्त होना चाहिए। इसी के साथ आप सुबह और शाम आयुर्वेद में बताए हुए अणु तेल या घी या तिल के तेल का नस्य करें। नस्य के सही तरीके को जानने के लिए आयुर्वेदीय चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं, दिन में पानी का सेवन बीच बीच में करते रहें। अच्छी नींद हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है, इसीलिए आपको रात में जल्दी सोना चाहिए ताकि आपकी नींद पूरी तरह से हो सके। सुबह उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक योगासन करें, इसमें प्राणायाम का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसी के साथ आप ध्यान धारणा भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अपनी और अपने रोजमर्रा के चीजों की सफाई का ध्यान रखिए। ये कुछ उपाय थे जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।